महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में शिकायत मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी। लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह बात आज करनाल रेंज के आईजी नवदीप सिंह विर्क ने कही। पुलिस महानिरीक्षक करनाल मंडल नवदीप सिंह विर्क ने जिला पानीपत लघु सचिवालय में तृतीय तल पर स्थित पुलिस विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज जिला पुलिस के अधिकारियों के साथ परिचय मीटिंग का आयोजन कर सभी का बारी बारी से परिचय लिया। उन्होंने उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आप सभी से परिचय करना और पुलिस की कार्यप्रणाली में और ज़्यादा सुधार को लेकर जानकारी देना है। मीटिंग में सर्वप्रथम उन्होंने महिला विरुद्ध अपराधों के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों को कानूनी प्रक्रिया के बारे में बारीकी से जानकारी दी। सभी को सख्त दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही तुरंत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें। लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सभी अधिकारी महिला विरुद्ध अपराधों के मामले में सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए तुरंत कार्यवाही को अंजाम दें। उन्होंने 1091 महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर के बारे में कहा कि इस नंबर पर मिलने वाली सभी कॉल्स का रजिस्टर में रिकॉर्ड उपलब्ध करवाकर तुरंत कार्यवाही करते हुए पीड़िता के फोन पर फीडबैक लें और सारी कार्यवाही को भी रजिस्टर में दर्ज करें। देखिए, आज क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आईजी करनाल रेंज ज्वाइन किया है, तो मैं एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग के लिए आया था यहाँ और सभी पुलिस अधिकारियों से, चौकी इंचार्ज लेवल तक के अधिकारियों से बात करने आया था। इसके अलावा प्रेस के बंधुओं से, आप लोगों से भी बात करने आया हूँ और समाज से हमने कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भी बुलाया हुआ है, तो जानकारी के लिए हम आए हैं। और जो पुलिस अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग में बात यही की है, उसमें तीन चार मुद्दों को हमने इम्पोर्टेंस दी है कि सबसे पहले तो हम टाइमली रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, खासकर क्राइम अगेंस्ट वुमन के केसेस में, जहाँ कानून हमें कोई इजाज़त नहीं देता है FIR ना दर्ज करने की, उसको उस तरह से ना किया जाए। और जो भी कंप्लेंट आती है उसमें, जिस भी धारा में FIR दर्ज होनी है उसमें 100% FIR दर्ज हो, सबसे पहली बात हमने ये की। दूसरी बात हमने की कि जो नारकोटिक्स में जो बड़े लेवल के गिरोह हैं उनके लिए कम स्पेशल सेल बनाएंगे और उस पर हम नज़र रखेंगे। जो बड़े लेवल के गिरोह हैं उनको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो सड़क पे हम रोज़ लॉलेसनेस के जो है कार्रवाई देखते हैं, चाहे वो लोग रोड जाम कर रहे हैं, चाहे वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उस पर हम सख्ती से निपटेंगे और हम हर उस ऐसे वाक्य में केस रजिस्टर करेंगे और जो लोग तोड़फोड़ करते हैं, वायलेंस करते हैं, उनको हम गिरफ्तार करेंगे और उनसे सख्ती से पेश आएंगे। ये हमने कुछ मुद्दे सबके सामने रखे हैं। इसके अलावा हमारी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बातें थी, वो भी हमने की। तो हमारा मकसद ये रहेगा कि अब क्योंकि आगे आगे चुनाव भी नज़दीक आएंगे और माहौल थोड़ा गर्माएगा, तो हम कानून और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिल्कुल काबू में रखें और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो। सर, बात रोड जाम की अभी आपने कही है, आप केस तो दर्ज होते हैं लेकिन पॉलिटिकल दबाव के बाद वो बाद में केस खत्म कर दिए जाते हैं। हाईवे है, जाम बड़े लगते हैं पानीपत के अंदर। देखिए, समस्याएं जो पुलिस का रोल, अगर कल को कोई भी सरकार, मौजूदा सरकार या आगे की सरकार, कोई केस को विड्रॉ कर लेती है तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, ना करना चाहता हूँ। लेकिन जो पुलिस का रोल है, पुलिस का रोल ये है कि अगर कोई रोड जाम होता है तो हम उसकी वीडियोग्राफी कराएं, ऑडियोग्राफी कराएं और उसमें हम चलान उसका दें और उनकी ट्रायल करें। ऐसा नहीं है कि सभी केसेस वापस हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस में लोगों को जो है ना कोर्टों में चक्कर काटने पड़ते हैं, उनकी सज़ा भी होती है और बहुत सारे लोगों हमने देखा भी है सज़ा भुगतते हुए। सर, क्राइम के मामले में पिछले गुड़गांव से 3 महीने के आप आंकड़े हैं तो नंबर 1 पे हो गया है पानीपत, इसको लेकर पुलिस कहाँ तक सजग है सर इस मामले में? क्या देखिए, मैं ये नहीं समझता कि पानीपत नंबर 1 हो गया। पानीपत में आप समस्याएँ देखिए, माइग्रेंट लेबरर कितनी है, जो इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे और पॉपुलेशन बहुत है और भी दिक्कतें हैं, तो उसके चलते जो है अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कोई बहुत असामान्य आंकड़े नहीं है, सामान्य आंकड़े हैं। लेकिन फिर भी जो क्राइम, जिन भी चीज़ों का क्राइम, चाहे छीना झपटी है, इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सख्ती से पेश आए। सर, सबसे ज़्यादा आजकल जो यहाँ लूटपाट हो रही है वो पेट्रोल पंप पे और कार की लूट ज़्यादा हो रही है, उस पर रोक नहीं लग पा रही, उसको कैसे आप मतलब सिस्टम में लाएंगे? देखिए, मैं उसको अभी मैं नया आया हूँ, SP साहब भी नए हैं, तो हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो भी तरीका निकलेगा, चाहे हमें किसी गैंग के पीछे पड़ना है, उनको पकड़ना है, या और कोई तरीका अपनाना है, CCTV कवरेज ज़्यादा करवानी है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी लगानी है, लोगों को जागृत करना है, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। चलिए सर, अगर उस पर कहना चाहें तो टॉपिक की बात हो रही थी वो SP साहब बताएंगे। चलिए सर।